नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको जो डिस्कस किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बेटा डिस्कस किया था चार्ज पार्टिकल का मोशन। जब तो चार्ज पार्टिकल था ना बेटे, उस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड के मैंने परपेंडिकुलर उसको ड्रॉप किया था, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर था हमारा उस टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि भी जो चार्ज पार्टिकल होता है ना वो कैसा सा पाथ ट्रेस करता है बेटे, सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। और सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा तो उसका जो रेडियस था वो r बराबर mv/qb के बराबर आया था। जो टाइम पीरियड जो आया था चार्ज पार्टिकल का, जो कि उसने एक कम्प्लीट चक्कर सर्कल का करने के लिए लिया था, वो कितना था बेटे, 2πm/qb। और जो फ्रिक्वेंसी हमारा आया था वो आया था qb/2πm के बराबर आया था। ओके अब जो मुझे मोशन डिस्कस करना है बेटे, वो डिस्कस करना है कब, जब मेरा वेलोसिटी जो वेक्टर होगा वो मेरा परपेंडिकुलर टू द बी नहीं होगा। अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं वो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा वेलोसिटी वेक्टर बेटे क्या है, बी के परपेंडिकुलर नहीं है। इमेजिन कीजिए कि भाई हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ऐसे बेटे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। ओके, ये हमारा क्या बेटे, ये एक्स एक्सिस है। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से बेटे एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब हम मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल लिया यहाँ पर, उस चार्ज पार्टिकल को बेटे मैंने वी वेलोसिटी दे दिया। कितना दे दिया, वी वेलोसिटी दे दिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, वी है। इसने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है बेटे, थीटा बना रखा है। कितना बना रखा है, थीटा बना रखा है। अब ध्यान से सुन बेटे क्या, कि भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या बेटे, वाई एक्सिस है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ। इस तरफ कितना कंपोनेंट आया बेटे, इसका वो कंपोनेंट आया कितना बेटे, वी कॉस ऑफ थीटा। कितना कंपोनेंट आएगा, v cos ऑफ थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है v sin ऑफ थीटा के बराबर। किसके बराबर आ बेटे, v sin थीटा के बराबर। अब ध्यान से सुन, v sin जो बेटे थीटा है डेफिनेटली वो कौन सा कंपोनेंट है बेटे, वो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन द सेंस किसके परपेंडिकुलर है बेटे, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा बेटे, v sin थीटा लिख दूंगा। और सिमिलरली बेटे जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट आएगा, पैरेलल किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो डेफिनेटली बेटे वो कितना आने वाला है, वो आने वाला आपके पास v cos of थीटा आने वाला है। कितना आने वाला है बेटे, v cos of थीटा आने वाला है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन क्या, कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में v रफ्तार देते हो तो उसके ऊपर बेटे फोर्स लगता है कितना, F बराबर v क्रॉस b। F बराबर क्या हुआ, इंटू v क्रॉस b बेटे, ठीक है। अभी जो फोर्स लगता है ना वो v और b के परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो बेटे, कि अगर मैं इस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ लूँ, कितने पार्ट्स में तोड़ लूँ बेटे, दो पार्ट्स में अगर मैं इसको तोड़ लेता हूँ तो दो पार्ट्स में तोड़ने से बेटे कौन कौन सा पार्ट तोड़ा मैंने, एक तो v cos थीटा वाला तोड़ा है और एक कौन सा तोड़ा बेटे, v sin थीटा वाला तोड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन, जो v cos थीटा वाला पार्ट है बेटे वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में ही है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा बेटे, जीरो आएगा। यानी कि ये जो वेलोसिटी है बेटे, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला चार्ज पार्टिकल के ऊपर। बट अगर मैं बात करता हूँ इस v sin थीटा की, तो ये जो v sin थीटा ना, ये v sin थीटा बेटे क्या है, बेसिकली v sin थीटा क्या बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से क्या करने की कोशिश करेगा बेटे, ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। कैसा पाथ ट्रेस करेगा, सर्कुलर। तो ध्यान से सुनो, v sin थीटा वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से बेटे जो चार्ज पार्टिकल है ना वो कैसा सा पाथ ट्रेस कर रहा है, सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है। और v cos थीटा वो वाला पार्ट है जिसकी वजह से पार्टिकल क्या बेटे, आगे की तरफ चल रहा है। तो ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल मोशन होगा वो कैसा होगा, ध्यान से सुन कि भाई साहब, कि भाई v sin थीटा की वजह से तो वो सर्कल ट्रेस करने की कोशिश करेगा। क्या ट्रेस करने की कोशिश करेगा, सर्कल ट्रेस करने की कोशिश करेगा। और v cos थीटा की वजह से वो क्या करेगा बेटे, वो आगे की तरफ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, उसका जो मोशन बनेगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से का बनेगा। देखिए जरा ध्यान से, उसका जो मोशन बनेगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए बेटे, इस तरह से देखो, सर्कल भी ट्रेस हो रहा है उसका, सर्कल भी ट्रेस हो रहा है बेटे उसका, साथ साथ क्या वो आगे की तरफ भी जा रहा है। वो किधर जा रहा है बेटे, वो आगे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो शेप आता है हमारा, कैसा शेप आता है बेटे, हेलिक्स शेप आता है। कैसा आता है शेप हमारा,
हेलिक्स शेप आता है, ठीक है। इस टाइम बेटा इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली ये कौन सी मोशन मानी जाएगी, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी? एक्स एक्सिस के अलोंग में यूनिफॉर्म मोशन मानी जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि पार्टिकल हर सेकंड में इक्वल अमाउंट में मतलब हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी, और हर सेकंड में वेलोसिटी बराबर होने का मतलब यह है कि जो पार्टिकल होगा वो हर सेकंड में बेटे इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी साइन थीटा वो कॉम्पोनेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है, और वी कोस थीटा वो कॉम्पोनेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल बेटे क्या कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो ध्यान से सुनो, जो इसने सर्कल ट्रेस करा है उसका जो रेडियस बना है वो कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से बना बेटे, वो बना है वी साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से बना बेटे? वी साइन थीटा की वजह से बना। तो जस्ट आप लोग क्या करोगे, इस पार्टिकल का जो सर्कल बन रहा है वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा वी इंटू एम इंटू, देखिए यहाँ से ये जो वी है तेरा कितना है बेटे, वो आया वी साइन थीटा। कितना आया? वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कितना आएगा बेटे, क्यू इंटू में बी आएगा। कितना आएगा? क्यू इंटू में बी आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, मैं क्या एम इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में क्यू इंटू बी, यानी कि जो रेडियस ट्रेस होता है वहाँ पर जो वेलोसिटी होता है बेटे वो कौन सा वेलोसिटी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो बेटे, परपेंडिकुलर हो। तो उसी वजह से मैंने क्या करा यहाँ पे, वी परपेंडिकुलर डाल दिया। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली जो टाइम पीरियड होगा, क्या वहाँ पे बेटे कोई वेलोसिटी वेक्टर है? नहीं है। तो टाइम पीरियड हमारा सेम रहने वाला है, कितना? टू पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू में भी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटे, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारी फ्रिक्वेंसी होने वाली है वो किसके बराबर होने वाली है बेटे, क्यू बी डिवाइड बाय में टू पाई एम। कितना होने वाला बेटे? क्यू बी डिवाइड बाय में टू पाई एम होने वाला है। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनो बेटे, क्या कि पार्टिकल ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना, वो क्या करा बेटे, उसको बोलते हैं हम पिच। क्या बोलते हैं उसको बेटे? पिच बोलते हैं, PITCH, उसको क्या बोलते हैं बेटे? पिच बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, पिच क्या है? एक डिस्टेंस है। पिच क्या है? डिस्टेंस है। और वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटे? होता है स्पीड इंटू टाइम। किसके बराबर होता है बेटे? स्पीड इंटू में टाइम के बराबर होता है। तो ध्यान से सुन, हमारा जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है इस वेलोसिटी का जो उसको पिच ट्रैवल करा रहा है, मतलब आगे की तरफ लेकर के जा रहा है, तो कौन सा भाई वो तुम्हारा कौन सा है? वो है तुम्हारे पास वी पैरेलल वाला कंपोनेंट। और वो कितना बेटे? वी पैरेलल की वजह से वो आगे की तरफ जा रहा है। तो स्पीड कितना बना बेटे? वो बना वी कॉस थीटा। कितना बना? वी कॉस थीटा इंटू में टाइम। कितना बेटे? टाइम तुम्हारा यही वाला रहने वाला है, ठीक है। तो किसके बराबर आ बेटे? आया वी कॉस ऑफ थीटा। टाइम का वैल्यू कितना है भाई आपके पास? वो है टू पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू में भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे? पिच आ चुकी है। और पिच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या होता है बेटे पिच? जो पिच होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है वी पैरेलल इंटू में टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल बेटे। तो इसको भी अपन क्या बोल देते हैं? पिच बोल देते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ बेटे समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, कौन सी वाली वेलोसिटी बेटे? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से तो वो क्या करने की कोशिश करेगा बेटे? सर्कुलर पाथ ट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो बेटे मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर बी के जस्ट परपेंडिकुलर है तो उस टाइम हमारा रेडियस ये वाला बनने वाला है, टाइम पीरियड हमारा ये वाला बनने वाला है, और फ्रीक्वेंसी हमारी ये वाली बनने वाली है। बट अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर बेटे बी के परपेंडिकुलर नहीं है तो वेलोसिटी वेक्टर को आप दो पार्ट्स में तोड़ लोगे, और वेलोसिटी वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ लोगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा और एक उसके अलोंग में बनेगा। जो उसके अलोंग में बना है उसकी वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, जो परपेंडिकुलर बना है उसकी वजह से वो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेस करेगा, सर्कुलर मोशन के ट्रेस करेगा। तो इस वाले कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से तो वो सर्कुलर मोशन में ट्रेस करेगा, और वी कॉस थीटा की वजह से क्या बेटे वो आगे की तरफ जाएगा। तो जो आपका पाथ बनने वाला है वो आपका एक तरह से हेलिक्स बनने वाला है, और ये जो मोशन है वो कौन सी है बेटे? एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में कौन सी मोशन है भाई? वो आपके पास है भाई यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सी मोशन है बेटे? वो यूनिफॉर्म मोशन। मैं इसको लिख देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, शाबाश।
और वहाँ पे जो रेडियस आता है, जस्ट आप क्या करते हो बेटे कि जो सर्कुलर मोशन में पाथ ट्रेस हो रहा है वहाँ पे जो वेलोसिटी है कौन कितनी है बेटे, वो वी साइन थीटा है। जस्ट मैं यहाँ क्या करता हूँ, वी की जगह कितना पुट कर देता हूँ बेटे, वी साइन थीटा, और वो तुम्हारा कितना वी परपेंडिकुलर है। टाइम पीरियड और एफ वो वी पे डिपेंड ही नहीं करते, तो अगर नहीं करते तो भाई नहीं करते हैं, ठीक है जी। हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, पिच, क्या बोलते हैं उसको, पिच। और पिच किसके बराबर बना बेटे, स्पीड इंटू में, स्पीड इंटू में टाइम के बराबर बनता है। किसके बराबर बनता है, स्पीड इंटू में टाइम के बराबर बनता है। होप आप लोगों को ये चीज़ बेटे समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें बेटे वो है हमारे पास लोरेंट फोर्स। कौन सा फोर्स बेटे, लोरेंट फोर्स। आप लोगों को मालूम है कि कई भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख देता हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटे फोर्स लगता है, कितना लगता है बेटे, क्या वो इंटू ए लगता है, कितना लगता है, क्या वो इंटू में ए लगता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं पर बेटे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, किसको बेटे, किसी चार्ज पार्टिकल को वी रफ्तार प्रदान कर दूंगा, मतलब वी वेलोसिटी दे दूंगा, तो डेफिनेटली बेटे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो क्या करेगा बेटे, रोटेट करने की कोशिश करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, एफ बराबर क्यू इंटू में बेटे कितना बनने वाला है, वो वी क्रॉस में बी बनने वाला है, कितना बनने वाला है, वी क्रॉस में बी बनने वाला है, ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। अब ध्यान से सुनो बेटे कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, आप लोगों ने क्या करा बेटे, उस चार्ज पार्टिकल को वी रफ्तार दे दी, तो जब चार्ज पार्टिकल को एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो डेफिनेटली बेटे उसके ऊपर खाली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बट अगर आपने चार्ज पार्टिकल को रफ्तार दे दी, वेलोसिटी वी दे दिया, तो उसके ऊपर बेटे मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चालू कर देगा। तो उस टाइम उस पार्टिकल के ऊपर जो बेटे नेट फोर्स लगेगा, उस पार्टिकल के ऊपर बेटे जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगने वाला बेटे, वो लगने वाला है किस किसके बराबर बेटे, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मेरा कहने का ये मतलब है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटे दो फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या करना है, उन दोनों का बाद में क्या कर देना बेटे, वेक्टर सम कर देना है, क्या कर देना बेटे, वेक्टर सम कर देना, ताकि हम एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकाल लें। और ऑब्वियस ही बात है किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, उसका अंडर रूट, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे, लोरेंट फोर्स बोल देते हैं। कि एफ ओ फी कितना बेटे, वो है क्यू इंटू में ई, कितना है एफ ओ फी, किसके बराबर है बेटे, क्यू इंटू ई। और एफ ओ बी कितना बेटे, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू इंटू में वी क्रॉस में बी है हमारा, कितना भाई एफ ओ, ये हमारा क्या बन जाता है बेटे, ये एफ ऑफ नेट बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, एफ ऑफ नेट बन जाता है। इसके ऊपर मैंने वेक्टर डाला तो ऑब्वियस ही पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब एफ नेट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, लोरेंट फोर्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोरेंट फोर्स बोल देते हैं। अब अगर मान लो बेटे हमें अब नेक्स्ट मोशन हमें इसी के अंडर पढ़ना है, ठीक है, तो पहला जो मैंने केस किया था वहाँ पे बेटे मैंने खाली मैग्नेटिक फील्ड लिया था और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। दूसरे वाले केस में भी मैंने खाली मैग्नेटिक फील्ड ही लिया था, वहाँ पर बेटे क्या था कि भाई वहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था ना, वहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर था मेरा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं था। बट इस वाले केस में जो मैं नेक्स्ट मोशन डिस्कस करूँगा वहाँ पर बेटे मैं क्या लूँगा, मैं लोरेंट फोर्स दूंगा, यानी कि वहाँ पर किसी ना किसी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होने वाला है। तो उसको कैसे करना बेटे, तो उस तरह की मोशन कैसे करते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो मुझे मालूम है बेटे कि जो रेडियस आया था हमारे पास वो किसके बराबर आया था बेटे, वो आया था एम वी डिवाइडेड बाई में क्या वो इंटू बी के बराबर आया था। और जो हमारी बेसिकली जो वी था वो मेरा कौन सा था बेटे, वो वी परपेंडिकुलर था। सिमिलरली जो मेरी फ्रिक्वेंसी आई थी वो किसके बराबर आई थी बेटे, वो आई थी क्यू बी डिवाइडेड बाई में टू पाई एम के बराबर आई थी। किसके बराबर आई थी, क्यू बी डिवाइडेड बाई में टू पाई एम के बराबर आई थी, ठीक है। अब मान लो कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास क्या बेटे इस तरह से है, आपको ये दे रखा है क्या कि भाई साहब आप लोगों ने क्या कर रखा है, मान लो बेटे आपने इसको क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, और इसको आपने क्या मान लिया भाई, एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इस एक्स एक्सिस पर आपने क्या दे रखा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ओके। और जो वाई एक्सिस है बेटे उस पर मैंने क्या ले रखा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, क्या ले रखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या करा, मैंने बेटे क्या करा कि भाई एक
एक चार्ज पार्टिकल लिया क्यू, उसका मास था एम, और उसको मैंने बेटे वी रफ्तार दे दी, और उस बी ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रखा कितना भाई, थीटा। कितना बना रखा है? थीटा बना रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो स्मॉल वी है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में कितना कॉम्पोनेंट आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है भाई आने वाला है कितना, वो आने वाला है वी कॉस ऑफ थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है वी साइन ऑफ थीटा। कितना आएगा बेटे? v साइन ऑफ थीटा आने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, अब ध्यान से सुनो बेटे, क्या कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटे हमने यहाँ मान रखा है x एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E और y एक्सिस के ऊपर हमने मान रखा है बेटे क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। आप ऐसा कीजिए अभी के लिए ना, इस वाले केस के अंदर जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मैंने क्या माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और जो बेटे मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। किस में बेटे? सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी के लिए मैंने इस वाले केस में आप लोगों को समझाने के लिए केवल इतना मान लिया। अब मुझे मालूम है कि अगर पार्टिकल हमारा कहाँ पर है बेटे, कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो किसके बराबर लगता है बेटे, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू में वी क्रॉस में बी, क्यू इंटू में वी क्रॉस में बी बेटे, ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उन दोनों का वेक्टर सम होने वाला है। अब ध्यान से देखिए कि क्या, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है हमारा वो राइट साइड में प्रेजेंट है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल के ऊपर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगने वाला बेटे, वो लगने वाला F बराबर क्यू इंटू ई, तो लगेगा ही लगेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेटली बेटे। कि इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, तो इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, एक तो V cos थीटा था और एक V sin थीटा था, तो V cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में ही है, तो इस दरमियान बेटे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला इसके ऊपर, बट जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा बेटे, वो डेफिनेटली लगने वाला है केवल v sin थीटा की वजह से, जिसकी वजह से क्या बेटे पार्टिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा इस तरह से। किस कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ध्यान से सुनो कि v sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से तो पार्टिकल बेटे रोटेट करेगा ऐसे, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। जबकि x एक्सिस की तरफ बेटे कौन सा फोर्स लग रहा है? x एक्सिस की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटे? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल के पास बेटे, पार्टिकल के पास अगर उसका मास है m, उसकी एक्सेलरेशन है a, तो q इंटू ई, तो पार्टिकल के पास बेटे x एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन आएगी, कितनी आएगी बेटे? q e डिवाइडेड बाय में m आएगी। कितनी आएगी? q e डिवाइड बाय में m आने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप लोगों को मालूम है कि भाई अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन है ना, तो डेफिनेटली बेटे हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने की कोशिश करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले फॉर्मूले, जहाँ पर हमारे पास क्या था? v बराबर u प्लस at था, ठीक। s बराबर बेटे ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वेयर था, और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2a इंटू में s था। तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले कब अप्लाई करते हो? जब आपके पास क्या दे रखा हो भाई साहब, आपके पास दे रखा हो बेटे क्या, कि जब आपके पास आपके पार्टिकल के पास क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो कि भाई जो रेडियस ट्रेस करेगा वो वी साइन थीटा की वजह से करेगा, तो रेडियस ऐसे, और उसके ऊपर बेटे उसकी इनिशियल रफ्तार एक्स एक्सिस में कितनी है? वो है तेरी वी कॉस ऑफ थीटा। कितनी है भाई? वी कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारा यू है, किसकी तरफ है बेटे? एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कितना रेडियस ट्रेस कर रहे हैं बेटे? वो करेगा v इंटू परपेंडिकुलर, कितना भाई उसके? वो है तेरा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू में भी, तो यहाँ से कितना आ रहा है भाई? वो आ रहा है m इंटू में v परपेंडिकुलर, कितना बेटे? वो है तेरे पास v साइन ऑफ थीटा बेटे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय में कितना है? क्यू इंटू b। तो जो रेडियस ट्रेस होगा वो ये वाला ट्रेस होगा। अब पार्टिकल जो होगा बेटे उसके ऊपर उसका इनिशियल कॉम्पोनेंट कितना है एक्स एक्सिस की तरफ बेटे वेलोसिटी का? वो है वी कॉस थीटा, और उसके ऊपर बेटे फोर्स भी लग रहा है, तो डेफिनेटली हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो पार्टिकल होगा वो किस तरह से पाथ ट्रेस करे बेटे? वो करेगा तो हेलिक्स ही, बट अब की बार जो पिच होगी ना वो बढ़ती जाएगी। जो अब की बार बेटे जो पिच होगी, ये वाली पिच होगी, वो क्या करती रहेगी बेटे? बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में तो केवल और केवल यूनिफॉर्म मोशन थी, उस यूनिफॉर्म मोशन की वजह से यूनिफॉर्म पिच आ रही थी, बट अब की बार क्या बेटे? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से उसके ऊपर क्या बेटे? एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली हर सेकंड के अंदर वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। तो कितना आंसर आया बेटे? क्यू बी डिवाइडेड बाय में 2 पाई एम आएगा, और सिमिलरली
जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके बराबर आ बेटे, वो इसका उल्टा होता है, कितना होता है, टू पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी। तो टाइम पीरियड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अब की बार पिच बनेगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब पार्टिकल आपका कितनी दूर गया है, वो तो आप निकाल दोगे इस चीज़ से, ठीक है। कितनी दूर जाएगा टी टाइम के बाद, कितनी दूर जाएगा बेटे टी टाइम के बाद, वो जाएगा बेटे कितना, यू कितना आपके पास, वी कॉस ऑफ थीटा इंटू में टी प्लस वन बाय टू। ए कितना भाई तेरा, ए है क्यू ई बाय में एम, क्यू ई डिवाइड बाय में एम इंटू में टी स्केयर। तो पार्टिकल आपका टी टाइम बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, वो आप इस वाले फॉर्मूला से निकालोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर पिच निकालनी है, जैसे मान लो बेटे ये क्या है कि पार्टिकल तीन सेकेंड पर तो यहाँ पर था और दो सेकेंड पर बेटे यहाँ पर था, तो मतलब एक पर यहाँ पर था, जीरो पर यहाँ पर था, तो मुझे पिच निकालनी है ये वाली दो से तीन के बीच वाली। कौन सी निकालनी है, दो से तीन के बीच वाली। तो मैं क्या करूँगा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूँगा बेटे कितने में, एस थ्री में, तो जो भी आंसर आएगा वो आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटे, एस टू में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, जो भी आंसर आएगा। देखो एस थ्री में पार्टिकल तेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा, डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच जाएगा। और S2 में तेरा कितना पहुंच जाएगा बेटे, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये S2 हो गया, ये तेरा कितना हो बेटे S3। तो S2 निकल गया, दोनों को मैं क्या करूँगा बेटे S3 माइनस के S2 कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा मेरा वो क्या आ जाएगा बेटे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने कितना पिच ट्रैवल करा है, तो वो आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा बेटे, वो आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये तेरा थर्ड सेकंड है, तो थर्ड सेकंड में पिच कैसे निकालोगे, एस थ्री माइनस के एस टू करके। और अगर आपको सेकंड सेकंड में निकालनी है, दूसरे सेकंड में निकालनी है, तो आप क्या करो बेटे एस टू माइनस एस वन कर दोगे, तो आपके पास पिच आ जाएगी। वो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी के ऊपर बेटे लोरेंट फोर्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं उसको भाई, वेलोसिटी सिलेक्टर बोल देते हैं बेटे, ठीक है। अब वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब अगर आपको मान लो कि आपको बेटे पार्टिकल चाहिए, मान लो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, किसी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, किसी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, किसी की स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है, और आप चाहते हो कि भाई मेरे पास क्या है, केवल और केवल 500 मीटर वाले 500 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल ही आए, ठीक है, मुझे केवल कौन से चाहिए, 500 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल चाहिए। तो मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ बेटे, एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ जिसको बोलता हूँ क्या मैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब इस वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, आप क्या करते हो बेटे कि यहाँ पर ना एक स्लिट ले लेते हो। स्लिट मतलब ऐसा मान लें कि एक एक दीवार है, और उस दीवार में ना बिल्कुल पतला सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पतली सी लाइन है, एक स्ट्रिप बनी हुई है जिसके अंदर से केवल एक ही पार्टिकल जा सकते हैं, मतलब एक तरह से ब्लॉकेज चाहिए। यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ पे बेटे मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ मैं ऐसे, बहुत बढ़िया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तेरा अंदर की तरफ है, कैसे बेटे, अंदर की तरफ है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड रहा तेरा अंदर की तरफ, तो हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ से ना डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी वाले पार्टिकल डालते हैं। सपोज कर किसी का वेलोसिटी वी वन है, किसी का वेलोसिटी बेटे वी टू है, किसी का वेलोसिटी वी थ्री है, इस तरह से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वेलोसिटी है जिसको मुझे निकालना है। अब मैंने क्या करा, मान लो कि मुझे चाहिए क्या, कि मुझे वो वाले पार्टिकल चाहिए जिसका वेलोसिटी कितना बेटे, वी है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ के पार्टिकल मैंने यहाँ डाल दिए इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता हूँ ऐसे सारे के अंदर। इधर मैंने क्या जनरेट कर रखा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या बेटे, वो परपेंडिकुलर है। तो आपका ये ई रहा, और ये आपका क्या रहा बेटे, ये बी रहा। यानी कि इस टाइम जो ई है और जो बी है बेटे, वो दोनों के दोनों क्या बेटे, आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या बेटे, आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप लोगों को मालूम है कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का बेटे क्या होता है, वो वेक्टर सम होता है। तो ध्यान से सुन, ये तेरा इलेक्ट्रिक फोर्स रहा और ये तेरा कौन सा रहा बेटे, मैग्नेटिक फोर्स रहा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे बेटे क्या है, देखो इस टाइम ये जो वेलोसिटी वेक्टर हैं सारे के सारे बेटे, इस टाइम ये जो वेलोसिटी वेक्टर हैं सारे के सारे, वो कैसे हैं बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लो आपको ये वाला वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए। तो जैसे बेटे आप इन रफ्तार को इसके अंदर एंट्री दिलाओगे, इसके अंदर क्या करो बेटे, एंट्री दिलाओगे, तो डेफिनेटली बेटे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ क्यों लगेगा भाई, देखिए वेलोसिटी वेक्टर मेरा सबका इस तरफ है, ठीक है। मान लो ये वी डैश है, मान लो ये वी है बेटे, क्या है ये वी है। तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा नीचे की तरफ है। तो देखो वी उस तरफ
बी 13 नीचे की तरफ, वी क्रॉस बी करोगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरफ लगने वाला बेटे, वो लगने वाला ऊपर की तरफ, वो किसके बराबर है बेटे, वो है तेरा मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एफ ऑफ बी का, वो किसके बराबर आने वाला बेटे, वो आपके पास आने वाला है किसके बराबर, वो आने वाला बेटे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा, क्यू वी बी आएगा, कितना आएगा, क्यू वी बी आएगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटे, नीचे की तरफ है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो बिल्कुल इसके नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस टाइम बेटे वो कितना लग रहा है, डेफिनेटली बेटे कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई लग रहा है, कितना लग रहा है बेटे, क्यू इंटू ई लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको मैंने क्या बनाया था बेटे, ये मेरी स्लिट थी, स्लिट मतलब आप इसको क्या मान लो, एक ब्लॉकर मान लो कि ब्लॉक कर सकता है, ये केवल यहीं से पार्टिकल जा पाएंगे, ब्लॉकर बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। तो जैसे ही मैं पार्टिकल को इसके अंदर एंटर कराऊंगा तो ऊपर लगा बेटे मैग्नेटिक फोर्स, नीचे लगा कौन सा बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, कितना एंगल है, 90 डिग्री है बेटे। तो मैं बी का मैग्नीट्यूड और ई का मैग्नीट्यूड इस तरह से चूज करता हूँ, ध्यान से सुनना, कि बेटे मैं बी का मैग्नीट्यूड और ई का जो मैग्नीट्यूड है मैं वो इस तरह से चूज करता हूँ। देखो अभी तो किन के बीच में कितना एंगल बन रहा बेटे, 180 डिग्री का बन रहा है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड और ई, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ई का मैग्नीट्यूड इस तरह से चूज करता हूँ, क्या कि बेटे ये दोनों के दोनों जो फोर्स होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटे, बराबर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होंगे तो पार्टिकल के ऊपर बेटे क्या होगा, नेट फोर्स होगा जीरो, कितना होगा भाई, नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। और अगर एंगल है एंगल है 180 डिग्री तो आप क्या करते हो बेटे, जस्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हो बेटे, माइनस कर देते हो। तो इलेक्ट्रिक इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, क्यू इंटू ई आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, क्यू इंटू ई, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और क्यू वी भी कितना है बेटे, वो ऊपर की तरफ आएगा, तो वो क्यू वी भी ऐसे आ गया। तो इसको मैं जब मैं सोल्व करूँगा तो तेरे पास आंसर आएगा क्यू इंटू ई क्यू वी बी, तो क्यू ने क्यू को मार दिया तो तेरे पास वेलोसिटी क्या है बेटे, बी वेलोसिटी है तेरे पास ई बाय बी, यानी कि बेटे जिन पार्टिकल का वेलोसिटी वी है, जिन पार्टिकल का बेटे वेलोसिटी वी है तो वो पार्टिकल के ऊपर बेटे नेट जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, और अगर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो पार्टिकल तेरे सीधे के सीधे निकल जाएंगे स्लिट के अंदर से, ठीक है। अब जिनका जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो पक्का उनके ऊपर बेटे या तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या है कि जैसे मान लो बेटे ये तेरा क्या था, V1 था, ये तेरा क्या था बेटे, V था, तो V है ना वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करेगा जिसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बेटे, जीरो होगा। अब अगर मान लो बेटे V1 है तो V1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर या तो बेटे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है तो बेटे वो डेविएट कर जाएगा अपने पास से, और डेविएट करने के बाद वो इस ब्लॉकर के ऊपर, वो इस स्लिट के ऊपर क्या कर जाएगा बेटे, स्ट्राइक कर जाएगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। या फिर मान ले कि बेटे V2 है और इस वाले इसके लिए क्या बेटे कि वो इस तरह से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लग रहा है इसके, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो ऐसे डेविएट कर जाएगा बेटे, वो क्या कर देगा, इस स्लिट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी V है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, क्या करेगा बेटे, वो सीधा का सीधा निकल जाएगा। और हमें किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो पार्टिकल हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें आसानी से मिल जाएंगी, और इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटे, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, क्या बोलते हैं उसको भाई, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी।